टमाटर चाट बन के तैयार हो गया। गैस को फ्लेम को बंद करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर चाट। टमाटर चाट बनाने के लिए हमने 4 टमाटर यहाँ पे लिया था, इसको बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। प्याज है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। हरी धनिया, इसको भी बारीक कट कर लिया है। 2 आलू उबले हुए लिए हैं। अब चल रहे हैं टमाटर चाट बनाएंगे। यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया था पहले से। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे जीरा आधी चौथाई चम्मच। हल्का इसको क्रिस्पी करेंगे। हमारा जीरा जल चुका है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मिर्च को भी हल्का सा क्रिस्पी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भी अच्छे से भूनेंगे लगातार चलाते हुए। हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम मसाला। दो चम्मच डालेंगे चाट मसाला। एक चम्मच डालेंगे गरम मसाला। एक चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आधी चौथाई चम्मच डालेंगे हल्दी। स्वाद अनुसार डालेंगे काला नमक। अनुसार डालेंगे नमक। सभी को अच्छे से भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे अच्छे से। फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। टमाटर को अच्छे से पकाएंगे लगातार चलाते हुए। जब तक हमारा टमाटर गलेगा नहीं, अच्छे से इसको चलाते हुए पका लेंगे, तभी हमारे चाट का टेस्ट अच्छा होगा। इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमारे चाट का कलर कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं आप। इसी तरह आप भी बनाएं, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगेगा। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी डाल के 4 से 5 मिनट तक को इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। टमाटर चाट बन के तैयार हो गया। अब गैस को फ्लेम को बंद करेंगे। प्लेट में रख के इसको गार्निश करके दिखाएंगे आप सभी को। हमारा टमाटर चाट बन के तैयार हो गया। हम गार्निश करके दिखा रहे हैं आप सभी को। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। पापड़ी डालेंगे बारीक कट करके। भुजिया नमकीन डालेंगे। मूली डालेंगे बारीक कटा हुआ। हरी धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ।
अगर आपके पास दही हो तो दही भी डाल सकते हैं। हम नहीं खाते हैं इसलिए हम दही नहीं डाल रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के लिए।